Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss different types of writing styles. And there are so many different types of writing styles, and each of these writing styles is used for a specific purpose. And ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की राइटिंग स्टाइल्स होती हैं और वो क्यों यूज करी जाती हैं. So let's start with the video. There are so many different types of writing styles that's of different purpose. अलग अलग टाइप्स की राइटिंग स्टाइल्स होती हैं जो यूज करी जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए और वो क्यों यूज करी जाती है. सो द फर्स्ट राइटिंग स्टाइल इज नरेटिव राइटिंग. नरेटिव राइटिंग इज स्टोरी टेलिंग. इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग समथिंग दैट हैपेंस टू अ कैरेक्टर. एंड नरेटिव राइटिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फिक्शन एंड क्रिएटिव राइटिंग, बट इट कैन ऑल्सो यूज इन नॉन फिक्शन टू हेल्प मेक ट्रू स्टोरीज मोर कम्पेलिंग टू योर रीडर्स. Narrative writing uses many of most common elements of storytelling such as plot, character, conflict or a emotion. And you might use narrative writing in novels, short stories, historical accounts and biographies. Second one is descriptive writing. Descriptive writing involves capturing every detail of a place or a scene you're writing about. One of the most essential concepts in descriptive writing is to show, not tell, and it is most commonly used in creative writing and also can be used along with the narrative writing to build a scene and setting, and also used in poems. Third one is persuasive writing, and persuasive writing is all about getting your point across. The goal is to share your opinion in a very thoughtful way. इसमें क्या होता है persuasive writing में कि आपको अपना opinion share करना है to the readers को in a thoughtful way, कि उन्हें वो समझ आए, वो convince हो जाए, उस way में आपको अपना opinion share करना है. And also persuasive writing includes writer's opinion. उसमें क्या होता है writer का opinion होता है. And also जो persuasive writing होती है वो mostly used होती है non-fiction में and never used in fiction. Mostly ये use होती है newspapers में, blogs में, cover letters and advertising. में इन सब चीजों में पर्सुसिव राइटिंग यूज होती है. फोर्थ वन इज एक्सपोजिटरी राइटिंग. दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन टू अ ब्रॉडर ऑडियंस. एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड रिसर्च अबाउट द टॉपिक. द गोल इज इम्प्लाइड टू टीच द रीडर समथिंग. कि इसमें क्या होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग में कि हमें रीडर को कुछ देना है, कुछ फैक्ट बताने हैं, कुछ रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ये हम एक्सपोजिटरी राइटिंग तब यूज करते हैं हम जब हमें रीडर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसमें हमें अपने ओपिनियंस नहीं डालने हैं, हमें ओपिनियंस अपने आउट ऑफ इट रखने हैं, उसके उसमें हमने इंक्लूड नहीं करने हैं. फैक्ट के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करी है, वो हमें उनको बतानी है कि वो उन्हें समझ आए, कि हाँ उन्हें कुछ सीखने को मिले. इसका गोल ही मेन यही है टू टीच समथिंग टू द रीडर. इसमें हमें अपने इमोशंस कुछ ऐड नहीं करने, अपने ओपिनियंस भी नहीं ऐड करने कि हाँ आपका क्या ओपिनियन है वो हमें नहीं बताना. एंड मोस्टली ये यूज होती है न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में एंड टेक्स्ट बुक्स में. फिफ्थ वन इज क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, ये क्रिएटिव राइटिंग इंक्लूड करती है सारी राइटिंग को मिक्स करके एक न्यू राइटिंग बनाना. मतलब ये डिफरेंट राइटिंग होती है सबसे. उसे हम स्टोरी टेलिंग ही हम उस वे में कर रहे हैं कि उसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कि वाओ एक न्यू वे में, न्यू वे निकालना. द गोल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज फाइंडिंग अ न्यू वेज टू टेल अ स्टोरी टू द रीडर्स. इसका मेन गोल ही यही होता है कि नए वेज निकालना, कैसे हम स्टोरी बता सकते हैं. एंड यू कैन यूज क्रिएटिव राइटिंग इन पोएट्री एंड नॉन फिक्शन. सो नाउ ये सारे हमारे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल थे जो हमने डिस्कस करे, क्या क्या था ये, कैसे कैसे यूज होते हैं ये, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन.